हे एवरीवन, मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने सत्तू के आटे की एक नई रेसिपी लेकर। मैं लेके आई हूँ बिहार की फेमस डिश सत्तू का पराठा और साथ में भुना हुआ टमाटर की चटनी और दही। इसके साथ खाने से पराठे का स्वाद और दुगुना हो जाता है, बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होता है और साथ में ये बहुत हेल्दी भी होता है। इस तरह से आप अपने घर में बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दो टमाटर और उसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है और बीच से इसे मैं ऐसे कट कर दूंगी ताकि टमाटर अंदर तक पक जाए, अच्छी तरह से ये भून जाए और फटे नहीं। तो यहाँ पे मैंने दोनों टमाटरों को कट कर दिया है और अब मैं इसे गैस में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और मैं टमाटरों को पलट पलट कर अच्छी तरह से इसे मैं दोनों तरफ से चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक दूंगी और ये पक जाएंगे। देखिए पकना शुरू हो गया है और मेरे टमाटर भी अच्छी तरह से पक गए हैं। मैंने गैस बंद कर दिया, मैं इसे उतार दूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मेरे टमाटर ठंडे हो चुके हैं। अब देखिए मैं इसकी स्किन आसानी से निकाल पा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑयल लगाया था। तो मैंने यहाँ पे सारे टमाटरों की स्किन को निकाल दिया है और मैं इसके जो टॉप का हिस्सा है उसे मैं कट कर दूँगी, उसे निकाल दूँगी। मैं दोनों का मैंने निकाल दिया है और मैं इसे बारीक बारीक काट दूँगी। देखिए मैंने काट दिया है और मैं पोटैटो मैशर से इसे बिल्कुल मैश कर दूंगी, बिल्कुल एक चटनी का टेक्सचर दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने हो गया है, यहाँ पे मैं एक चम्मच हरी मिर्च, एक चम्मच लहसुन और हरा धनिया और प्याज डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया है पहले और फिर उसके बाद हरी मिर्च डाल दूंगी और फिर उसके बाद बारीक कटा हुआ जो एक हरा जो प्याज है वो डाल दूँगी, फिर हरी धनिया डाल दूँगी और इसमें दो चम्मच स्वाद के लिए सरसों का तेल डाल दूँगी और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूँगी जैसा आपको चाहिए। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी भुना हुआ टमाटर की चटनी हो गई है रेडी। तो आगे हम चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैंने ले लिया दो कटोरी आटा, उसमें डाल दूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कलौंजी या काला जीरा कहते हैं और अब इसमें दो चम्मच में तेल डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लूँगी। मतलब मुझे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है और ज़्यादा कड़क भी नहीं बनाना है, बस ऐसे नॉर्मल बनाना है ताकि मैं इसकी पराठे बना पाऊँ। तो अब मेरा आटा गूंथ चुका है देखिए और इसे 10 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट पर रख दूंगी। अब हम करते हैं सत्तू की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सत्तू ले लिया है और अब इसमें कुछ सब्जियाँ डाल दूंगी, जैसे मैंने लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च एक चम्मच और एक चम्मच अदरक ग्रेटेड किया हुआ और एक बड़ा प्याज काट दूंगी और यहाँ पर हरा धनिया मैंने चॉप कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चम्मच लहसुन डाल दूंगी चॉप किए हुए और एक चम्मच हरी मिर्च डाल दूंगी और ग्रेटेड किया हुआ एक चम्मच अदरक डाल दूंगी और एक बड़ा प्याज चॉप किए हुए डाल दूंगी और इसमें हरी धनिया भी डाल दूंगी, आधा चम्मच कलौंजी डाल दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और आधा चम्मच में इसमें अजवाइन डालूंगी और तीखा करने के लिए आधा चम्मच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और दो चम्मच में इसमें सरसों का तेल डाल दूँगी, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और एक चम्मच में खटास के लिए नींबू डाल दूँगी और एक चम्मच में इसमें आम का अचार डाल दूँगी। इसको डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी क्योंकि अचार में भी नमक होता है, तो आप ध्यान से डालिएगा अपने हिसाब से। और अब मैं इसे अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से मिला दूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा मैं गीला कर दूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत ड्राई होता है जब हम पराठे बनाते हैं तो वो उसमें से फट कर बाहर निकल जाते हैं, सूखा रहता है। तो हम इसे थोड़ा सा आलू की स्टफिंग जैसे थोड़ा सा गीला कर देंगे ताकि देखिए इसमें मुट्ठी बंध रहा है, मतलब ये झरझरा सा नहीं होगा जब हम इसे बनाएंगे, तो ये तोड़ने पर झरझरा नहीं होगा, थोड़ा सा गीला रहेगा तो ये पराठे के साथ चिपका रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी स्टफिंग भी हो गई है रेडी। अब इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेती हूँ, तो बिल्कुल चटपटा और नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारी हो गई रेडी और हमने यहाँ पे ले लिया है आटा और आटे के भी मैंने थोड़ा सा इसको अब अच्छे से मसल दूँगी और ये अब मैंने स्टफिंग भी ले लिया है, आटा भी ले लिया है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी लोई ले रही हूँ और दोनों अंगूठे से इसे दबा कर एक कटोरा बना दूँगी
तो देखिए यहाँ पे कटोरा बना दिया है और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच इसमें सत्तू की स्टफिंग डाल दूँगी। भर कर डालना है तभी मज़ा है इस पराठे का। तो यहाँ पे मैंने 2 भर कर डाल दिए है सत्तू और अब मैं इसे हथेली से अंगूठे से ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करूँगी और एक हाथ अंगूठे से इसको दबा दबा कर इसकी स्टफिंग को मैं बंद कर दूँगी। देखिए अब मैंने इसको टॉप में बंद कर दिया है और हल्के हाथों से इसे ऐसे घुमा कर दबा दूँगी और थोड़ा सा पलथन लूँगी और इसे हाथों से थोड़ा प्रेस कर दूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से फैल जाएँ। और अब बेलन की सहायता से इसे मैं बेल दूंगी, एक पराठे का टेक्सचर दे दूंगी। हमें तेज़ तेज़ नहीं बेलना है तो फट जाएंगे, धीरे धीरे से इसे बेलना है। ये पराठा हो गया है रेडी। उसी प्रकार से मैं दूसरा भी लोई लूंगी और इसको भी मैं ऐसे कटोरा बनाकर इसमें स्टफिंग भरकर और इसका भी पराठा मैंने कर दिया है रेडी। और यहाँ पर मैंने तवा पहले से गर्म कर रखा था और अब मैं इसमें डाल दूंगी पराठा। और अब मैं एक तरफ सिक गई है और फिर दूसरी तरफ से भी हम सिक गई है और इसमें डाल देंगे ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल लगाना है तभी मज़ा आता है पराठों का। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी मैं अच्छी तरह से ऑयल लगा दूंगी और इसे अच्छी तरह से सेक दूंगी दोनों तरफ पलट पलट के। करारी बिल्कुल मतलब कच्ची नहीं रखनी, बिल्कुल अच्छी तरह से कोना कोना तक पकाना है। देखिए मेरा पराठा हो गया है रेडी और मैंने दूसरा पराठा भी कर दिया है रेडी। इस तरह से मैं सारे पराठे हो गए रेडी और मैंने यहाँ पर दही की प्रिपरेशन कर दी है। तो मैंने दही एक कटोरी दही ली है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच चीनी डाला थोड़ा मिठास के लिए और चुटकी भर मैंने नमक डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट दूँगी ताकि चीनी और नमक एक दूसरे से घुल जाए। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा सजावट और तीखापन करने के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। देखिए दिखने में बहुत अच्छा लगता है वाइट एंड रेड, तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और मेरे यहाँ सारे पराठे भी हो गए हैं रेडी। अब मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ टमाटर दही ले लिया और सारे पराठे भी रख दिए हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, मुझे तो बस देख कर खाने का मन कर रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है ये देखने में। और ये प्लेटिंग भी अच्छी हो गई है। आप भी अपने घर में इस तरह से बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। मैंने ले ली है अपनी थाली और मैं अब इसको बताती हूँ कैसा लग रहा है ये खाने में। तो मैंने ये कोर ले ली है, इसमें मैंने लगाया है भुना हुआ टमाटर की चटनी और मैं खा रही हूँ। तो ये बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। और ये बहुत हेल्दी भी होता है खाने के लिए और एक खाएंगे तो आपका पेट भर जाता है। और आप हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्यार है आप सभी को। और आप सभी को मेरी तरफ से बाय।